हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बड़े भैया फ्रॉम विद्या मंदिर। जैसा आपको मालूम ही है, जनवरी 1st वीक से जेई मेंस 2020 शुरू होने वाला है। तो अगर देखें तकरीबन इफ़ेक्टिवली 40 डेज बचे हैं। ये 40 डेज जो हैं आपके जो मिशन जो 2 साल से चल रहा है, ज़्यादातर लोग के लिए 2 साल मान लेते हैं, बहुत ही क्रूशल टाइम है। अब ये इतना क्रूशल टाइम है कि अगर आप इसमें ढंग से 40 दिन की लाइफ को नहीं जियोगे तो ये जो 2 साल की मेहनत है या 3 साल की मेहनत है वो बेकार भी हो सकती है। और ये 2 साल की जो हार्डवर्क है ना, ये कैटेलाइज होके ये बहुत इफ़ेक्टिव भी हो सकता है और आप बहुत अच्छा सा कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। तो इसलिए हम थोड़ा ध्यान देंगे जो मैं बातें बोलूँगा कि हाउ टू लिव लाइफ एंड हाउ टू व्हाट टू डू इन कमिंग 40 डेज़ के अंदर जो है, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो स्टूडेंट की जो गलती होती है वो ये होती है कि उसको ना अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखो यार बेटा, प्रिपरेशन ऐसी चीज़ है कि मैं इतने साल से 33 ईयर हो गए मेरे को टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर। मैं ये मानता हूँ कि जब एक टाइम पे आईटी में 4th अटैम्प्ट भी अलाउड होता था, 5th भी होता था, 3rd भी होता था, अब तो सिर्फ 2 अटैम्प्ट अलाउड हैं और आपके जेई मेंस के तो 2 अटैम्प्ट इस साल ही हो जाएंगे, ठीक है जी। तो लोग कभी भी मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होते थे अपनी प्रिपरेशन के बारे में। ये उन लोगों की बात है जिनका फेलियर होता था। तो आपको प्रिपरेशन के बारे में बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार आपने जो कुछ भी किया है 2 साल तक वो बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। अब चक्कर में क्या, और एक बात बताऊँ आपको, जितना आप कर सकते थे ना वो आपने कर लिया है। अब कोई 40 दिन में कोई मैजिक नहीं हो जाएगा किस तरह से, विद रेस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन। 40 दिन में मैजिक कैसे क्रिएट होगा, विद रेस्पेक्ट टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग, योर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जिसके लिए मैं आपसे ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको प्रिपरेशन के बारे में बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करना है। अब प्रिपरेशन के बारे में चैलेंज करने का सबसे बड़ा फंडा क्या आता है, जो आप दूसरों से कंपेयर करने की कोशिश करते हो। मैंने इतने साल में एक्सपीरियंस में देखा, अच्छी खासी तैयारी चल रही है, सडनली क्या हो जाएगा बंदा कि मतलब अपना भैया अपने दोस्तों से कंपेयर कर लेगा और कुछ ना किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से कंपेयर करने लग जाएगा। तो जैसे ही आप दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस जो है आपका वो बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है कि हाउ मतलब इसके कहते हाउ यू फोकस ऑन योर सेल्फ नॉट ऑन अदर्स। क्यों? क्योंकि सडनली आप जो है 12th की तैयारी कर रहे हो सिलेबस की, वो बच्चा होता है 11th की तैयारी कर रहा हो, उसने कुछ बातें कर दी आपको अजीब सी, आप सडनली 11th को याद नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, क्यों याद नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस अभी 12th पे चल रहा है। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर आप 11th की तैयारी कर रहे हो, सडनली आपने दूसरे बच्चे पर फोकस किया, उसने आपसे बातचीत वगैरह करी, उसने कहा मैं यार 12th में ये चीज़ कर रहा हूँ, आप कन्फ्यूज़ हो जाओ क्योंकि आप उस टाइम 12th पे फोकस नहीं है। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे फोकस ना करें, फोकस अपने आप पे करें। हम तो बचपन से एक चीज़ बड़ी फिलॉसफी की में स्टडी करते आए, बहुत ही फेमस जहाँ पॉल सॉत्र, बहुत ही बड़ा एक राइटर हुआ है आपका फ्रांस के अंदर, वो कहता था अदर इज़ द हेल। तो मुझे लगता है परफेक्ट सिचुएशन है इस टाइम पे इस वर्ड को यूज़ करने का, अदर इज़ द हेल, आई एम द बॉस। तो जो बच्चे का फोकस अपने आप पे रहेगा, ठीक है जी, वो आगे जाएंगे, जिनका दूसरों पे रहेगा वो पीछे जाएंगे, ठीक है जी। अब करना क्या है आपको कि एक रिविज़न प्लान बना लो। अब रिवीजन प्लान कैसे हो सकता है, एज पर योर नीड हो सकता है। मैं आपको कोई रिवीजन प्लान नहीं दे रहा हूँ। रिवीजन का मतलब क्या है कि जो कुछ आपने 12th में किया है, जो कुछ 11th में किया है, उसका असेसमेंट करना है। देखो मैं एक एडवाइस दे सकता हूँ कि क्योंकि ये जेई मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है, जेई मेंस के एग्ज़ाम में लेवल ऑफ जो क्वेश्चन है वो बहुत मुश्किल नहीं होता है। मतलब तो मालूम है सिंगल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, इस बार नई चीज़ ऐड हो गई है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, और इंटीजर टाइप का ऐड होना इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर सिंसियर स्टूडेंट, क्योंकि उसमें गैस वर्क नहीं चलता है। जो फालतू टाइप के लोग जो सिर्फ 40 दिन के ऊपर कोई क्रैश कोर्स करके आते हैं वो क्रैश हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो आप भूलो मत, आप 2 साल से तैयारी करने वाले हो, आप 40 दिन तैयारी नहीं कर रहे। 40 दिन में सिर्फ क्या कर रहे हो, यू आर गोइंग टू लिव विद योर सेल्फ इन ए फुली कॉन्फिडेंट मैनर। तो रिविजन प्लान का मतलब है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, मेरे पॉइंट कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। कोशिश ये करनी है कि तकरीबन मेरे हिसाब से मिनिमम 100 टू मैक्सिमम 120 इतना ही पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है जी। आप 120 या आपकी अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो 150 तक क्वेश्चन एक दिन में किए जाएं। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन सारे एकदम से 100 नहीं करने हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर 11th है, जैसे 12th के बच्चे हो आप, 11th थोड़ा भूल रहा होगा, 12th काफ़ी स्ट्रॉन्ग टच में होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा 15 दिन अभी लगा के मे बी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 11th कोर्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लो। और एक बार बताऊँ, 11th कोर्स को इतने अच्छे से रिवाइज़
रिवाइज़ करो कि शायद ही बाद में रिवाइज़ करना ना पड़े, क्योंकि आपको मालूम है, बार बार याद दिला रहा हूँ कि आपके पास एक और अटैम्प्ट है जो कि आपका अप्रैल में होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, ट्वेल्थ का सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज होगा, क्योंकि बोर्ड की तैयारी करोगे आप 10 जनवरी के बाद जब मेंस ख़त्म हो जाएगा। तो 11th के कोर्स को अभी मेरे ख्याल और 15 दिन, तो मिनिमम 15 दिन आप टाइम लगा लो, ये रिवीजन प्लान का मतलब है। और मेक श्योर कि आप कम से कम 10 घंटे दिन में पढ़ें, ठीक है जी, दो सब्जेक्ट को पढ़ें और एक सिटिंग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तीनों सब्जेक्ट को लगा लें, ठीक है जी। बिल्कुल ज़रूरी है आपको 10 घंटे मिनिमम पढ़ना और फालतू बातों को नहीं सोचना, ठीक है जी। अब एक्शन में एक और बड़ा जबरदस्त हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर, अब बड़ी मजेदार चीज़ होती थी कि प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर वाले बच्चों के लिए कम थे, कि लास्ट ईयर जो बच्चे दे रहे थे उनके लिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी सिर्फ 6 साल के पेपर थे अब। लेकिन आपके लिए तो क्या हो गया, 6 साल ये हो गए और लास्ट ईयर वो जनवरी मेंस जो हुआ और अप्रैल मेंस हुआ उसके 16 पेपर और हो गए। तो अभी इट्स ए बिग चैलेंज, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई एक सिटिंग करनी है आपको डेली, ठीक है जी। तो अभी 15 कोशिश करो कि 15 दिसंबर तक सब कुछ सिलेबस हो जाए, और ये बताऊं सिलेबस की आपको फील लानी पड़ेगी कि हो गया है, कॉल लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा सिलेबस करते रहोगे तो 4 साल और लगेंगे। तो यू हैव टू टेक योर ओन कॉल कि यार सिलेबस हो गया है। जैसे मैं कह रहा हूं कि 15 दिसंबर तक सिलेबस हो गया ही, मान लो 15 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक करते रहो 100-125 क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के अपनी अकॉर्डिंगली। 15 दिसंबर के बाद क्या करो, सब जगह अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के साइट पे अवेलेबल होते हैं, हमारी विद्या मंदिर की साइट पे भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है जी, पेपर अवेलेबल है, NTA की साइट पे अवेलेबल होंगे मेरे ख्याल से। आप रोजाना एक पेपर करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर ये आप 16 से लेके 6 जनवरी जाओगे तो 20 दिन बचते हैं, तो आपके पास क्या है कि लास्ट ईयर के कितने पेपर हैं आपके, 16 पेपर हैं। तो अब आराम से पेपर वो डेली करते जाओ, पेपर 3 घंटे करो या 2.5 घंटे जब भी होगा आपका जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि उन पेपरों को आप करोगे क्या 90 क्वेश्चन का मान के, इस बार क्वेश्चन में कितने आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, तो अब टारगेट अगर 90 का रखोगे तो जब रियल एग्ज़ाम होगा 1st week of January के अंदर, आपको तो बड़ा एडवांटेज आएगा, क्योंकि यू आर ट्रेनिंग योर माइंड फॉर डूइंग 90 क्वेश्चंस एंड दे विल बी आस्किंग यू आपका 75 क्वेश्चन, तो आपका अटेम्प्ट नेचुरली बढ़ जाएगा, फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा अटेम्प्ट कराने को। तो इसलिए प्रीवियस पेपर ईयर के पेपर को करना का बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई लास्ट के दिनों में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्या NCERT पढ़ना चाहिए या आपका जो कोचिंग का मटेरियल हो पढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा बुक्स करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, जो कुछ आप 2 साल से कर रहे हो वो करना चाहिए। हाँ, ये बड़ा जरूरी है, माईसेल्फ बीइंग ए केमिस्ट्री टीचर मैं आपको दोस्तों कह रहा हूं कि NCERT बुक 11th 12th की केमिस्ट्री की पढ़नी बहुत जरूरी है। ये तो आप उस तरह से कर लो, मे बी मॉर्निंग में, मे बी सोने से जाने से पहले, जैसे मेरी मदर हैं सुबह उठती हैं रामायण का पाठ करती हैं, 15 दिन भागवत का पाठ करती हैं, तो आप समझ लो हमारे लिए हमारी बाइबल गीता कुरान, ठीक है जी, गुरु ग्रंथ साहब क्या है वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खासतौर से NCERT से पहले करो, पहले 11th का करो, 12th करो, रोज 30 मिनट की सिटिंग कर दो यार, सुबह कर लो, दोपहर कर लो, शाम कर लो, एक सिटिंग कर लो, एक कलर पेन लेके बैठ जाओ, उसको मार्क करते जाओ। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप याद करोगे मेरे को एग्जाम देने के बाद, क्योंकि NCERT बेस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, और उसके बाद सेकंड लेवल पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर हो गया है आपका, ठीक है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हो गया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का हो गया है, इन चैप्टरों को कर लो। हम अभी नेक्स्ट वीक में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए भी एक वीडियो डालेंगे जो आपको एक्सप्लिसिटली क्लियरली बताएगी भी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में और कौन से चैप्टर को इंपॉर्टेंस में करना चाहिए, ठीक है जी। ये हमारा था, अब मैं लास्ट डायमेंशन में आता हूँ आज के इस डिस्कशन के ऊपर, कि मेरे लिए, हमारे लिए, मेरे लिए का मतलब होता है मैं विद्या मंदिर रिप्रेजेंटेटिव, या समझो कि एक टीचर, एक फ्रेंड जो बच्चों को 32 साल से गाइड कर रहा है, 33 ईयर है, यानी 32 साल से मैं गाइड करता रहा हूँ। तो मुझे लगता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, हमने जो सब भाइयों ने अपनी लाइफ में करा, हार्मनी। तो मेरे लिए लास्ट पॉइंट है, आपके लिए मैं कहूँगा हार्मनी विद योर सेल्फ, नाउ डेवलप दिस हार्मनी विद योर, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है एक बैलेंस लाइफ के अंदर जो है। अभी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये हार्मनी वाली बात, क्योंकि जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त जिद्दोजहद, उर्दू का बड़ा जिद्दोजहद, एक टसल, एक डिलेमा चल रहा है कि हमारे पास बोर्ड की एग्ज़ाम की भी आना है आपका मार्च में, 2nd मार्च से, या अभी प्री बोर्ड स्कूल में चल रहे हैं, आपको मालूम है स्कूल की अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करती हैं आपके बच्चे, आपके NTA एग्ज़ाम के हिसाब से, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है जी। तो आपका प्री बोर्ड भी हो गया है कुछ बच्चों का, अभी नवंबर में चल रहा है, कुछ बच्चों का दिसंबर में चल रहा है, तो हार्मनी में आनी पड़ेगी। हार्मनी में बहुत सारे पॉइंट हैं, सबसे पहली चीज़ है जो मैंने पहला पॉइंट बोला था कि फील कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। तो सबसे बड़ी फाइट जो होती है हमारी अपने हिसाब से चलती है, हमारा मन कहता है कि यार तू ऐसा कर कि जनवरी एग्जाम में इसमें कुछ कर ही मत, या खाली 12th की तैयारी कर ले, ठीक है, क्योंकि 12th में आप पढ़ रहे हो, ठीक है जी, और मैं अप्रैल में इसमें 11th भी कर लूँगा, कभी नहीं कर सकते आप,
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप जनवरी मेंस के बाद सीधा बोर्ड की तैयारी करोगे, ट्वेल्थ की तैयारी करोगे, तो कोई माइंड कहेगा नहीं ऐसा करते हैं, अब इलेवंथ की तैयारी कर लेते हैं। अभी आप पिछले दिनों यार सब ट्वेल्थ पढ़ रहे हो, अब इलेवंथ पे फोकस करने जाओ ट्वेल्थ भी हिल जाएगा, तो माइंड से पहले फाइट चलेगी। तो पहले आपको अपने खुद माइंड से ही जो है ना हारमोनी बनानी पड़ेगी, जिसको मैं कहता हूँ आपको डोंट फाइट विद योर सेल्फ। क्योंकि सबसे बड़ी फाइट हमारी एज ए इंडिविजुअल हमारे अपने आप से ही चलती है, बाहर के फैक्टर तो बाद में आते हैं। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने दो साल से इतनी जबरदस्त मेहनत करी है, साइंस के बच्चे इतनी सेक्रीफाइस करते हैं, कॉमर्स आर्ट्स के बच्चे सिर्फ ट्वेल्थ के अंदर 9 अक्टूबर से पढ़ते हैं, आप दो साल से पढ़ रहे हो, आपने मूवीज़ नहीं देखी हैं, फिल्में नहीं देखी हैं, फुटबॉल मैच नहीं देखे हैं, बॉयफ्रेंड नहीं बनाए हैं लड़कियों ने और हमारे बच्चों ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है। तो वी हैव बीन मिसिंग लॉट ऑफ फन इन लाइफ, बट डोंट टेक इट मतलब सीरियसली, ठीक है जी? क्या यू आर गोइंग टू हैव ऑल फन इन लाइफ? वी इंजीनियर्स हैव ऑल फन इन लाइफ, ठीक है जी? तो पहले अपने से हारमोनी बनाओ, फाइट मत करो, चैलेंज मत करो अपने आप को कि यार मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, मैं नहीं सेलेक्ट होऊंगा तो कौन सेलेक्ट होएगा, ये आपको फीलिंग होनी चाहिए। और सेलेक्ट नहीं हुआ तो कोई इंजीनियरिंग एंड ऑफ लाइफ नहीं है, लाइफ में बहुत कैरियर हो सकते हैं। अच्छा बताओ, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मैंने आईटी से इंजीनियरिंग करके कौन सा कुछ मतलब जो है मैंने अपना कोई कैरियर इंजीनियरिंग बना लिया? मैंने कुछ और कर लिया। तेरा 100% इतने सारे बच्चे हैं कि जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं बाद में इकोनॉमिक्स में चले जाते हैं, बाद में मैथ्स में चले जाते हैं। यार अभी यार आपने पिछले दिनों दंगल पिक्चर देखी, पिछले दिनों आपने बड़ी फेमस पिक्चर देखी होगी आपने, छिछोरे, जो इसी तरह के आईटी की लाइफ की पिक्चर थी, उसके जो डायरेक्टर थे नीलेश तिवारी, आईटी बॉम्बे ग्रेजुएट थे, वो क्या फिल्म डायरेक्टर बन गए? लेकिन इंजीनियर्स कुछ भी कर सकता है। तो आप कोई बहुत प्रेशर मत लो, प्रेशर क्या है सक्सेस और फेलियर का? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हारमोनी तो अपने आप से बनानी पड़ेगी, दूसरी हारमोनी पेरेंट्स से बनानी पड़ेगी। क्योंकि मुझे ज़्यादातर बच्चे जो उनसे मिलता हूँ, उनका बड़ा एक चिंता का विषय होता है कि भैया आप हमारे पेरेंट्स के लिए वीडियो रिकॉर्ड करो, क्योंकि ना घर में हारमोनी नहीं बन पाती। पेरेंट्स कहते हैं यार तू बोर्ड की तैयारी कर ले, पेरेंट्स कहते हैं यार प्री बोर्ड की तैयारी कर ले, तो बच्चा जो डिलेमा में चले जाता है। आपके डिलेमा में केवल एक्सटर्नल फैक्टर भी है, ऐसा मत समझो हमेशा इंटरनल फैक्टर ही है, एक्सटर्नल फैक्टर भी है, ठीक है? तो क्या करो, कुछ परेशानी नहीं है, पापा का शाम का आने का टाइम है, उस टाइम पढ़ाई करो, ठीक है जी? उनको बता दो, कॉन्फिडेंस बना, उनको पार्टी बना लो कि सुबह पापा ऑफिस में बैठे हैं, नाश्ता कर लो उनका अगर आपका स्कूल नहीं है, पापा मैंने प्लान बनाया 10 घंटे का, ये प्लान है, ठीक है जी? प्री बोर्ड मेरा हो रहा है, प्री बोर्ड पे ज़्यादा फोकस मत करो, जाके दे आओ। क्योंकि देखो स्कूल टीचर हैं, उनके ऊपर भी कोई सुनवाई होती है, आपके केमिस्ट्री टीचर हैं, उनके ऊपर HOD होते हैं, HOD के बाद स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजर होते हैं। तो कई बार आप स्कूल के प्री बोर्ड देने नहीं जाओगे ना, एबसेंट हो जाओगे तो क्लेश हो जाएगा, बड़ा इशू बन जाएगा। तो आप जाओ टेस्ट दे आओ, और आपकी इतनी नॉलेज है, मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस मेरे मानो आप, अगर आपका अपना कॉन्फिडेंस नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस ले लो ना यार, ठीक है जी? तो आप एग्जाम जाके दे आओ प्री बोर्ड का, बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है जी? पापा को मम्मी को कॉन्फिडेंस में ले लो कि देखो ये प्लान है, ये सब कुछ किया हुआ हमने, मैथ्स आपको आता ही होगा, फिजिक्स आता होगा, केमिस्ट्री आता होगा, थोड़ा सा इंग्लिश की किताब रात को बैठ के पढ़ लेना, और फिफ्थ सब्जेक्ट की चिंता मत करना, पापा मम्मी उसकी चिंता भी नहीं कर रहे, वो भी आपके PCM की ही ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको जो बैलेंस बनाना है घर में बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बेस्ट है कि मेरा जो फेवरेट डायलॉग है, मिलेगा आपको ये कहीं पर भी कोरा में भी, पेरेंट्स के साथ नेवर अप्लाई न्यूटन थर्ड लॉ ऑन पेरेंट, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, सब बच्चे जानते हैं विद्या मंदिर वाले, नो रिएक्शन इज बेस्ट रिएक्शन, द बेस्ट रिएक्शन इज नो रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लगाना है पेरेंट्स के ऊपर, उनकी बात को सुन लेना है, अगर उनकी बात अच्छी सी लग रही है, ज़्यादातर अच्छी बात करते हैं, टाइमिंग खराब होती है उनकी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, घर में बहुत अच्छा माहौल बनाना है। तो इसलिए मैंने कहा हारमोनी एट आपको होम एट होम बनानी पड़ेगी। आज से करीब 10 साल पहले बड़ी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर आई थी, कभी आपने भी देखी हो, कुंग फू पांडा 1, 2, 3 आ चुकी है, उसमें एक डायलॉग था जो मैंने मतलब सीखा उससे मेरे अंदर भी, कि ओनली फियरलेस बिकम ग्रेट, ठीक है? तो अभी आप बहुत फियरलेस हो जाओ, यही तो खास बात होती है हमारे इंजीनियर्स के अंदर, जो साइंस के बच्चे होते हैं वो रिस्क लेने से नहीं डरते। अभी रिस्क तो लेने जा रहे हो जहाँ पे 14 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे, और उसके अंदर से आपको जो है कितनी सीटें होंगी इंडिया में यार, ज़्यादा 1 लाख सीटें होंगी, और IIT एडवांस दोगे तो मुझ कितनी सीटें होंगी, 7,000 सीटें होंगी, 2 लाख में आप आई जाओगे, इतना आसान एग्जाम है आपके लिए JEE Main जो है। तो कहने का मतलब इस कंट्री के अंदर वी इंजीनियर्स या भावी इंजीनियर्स जिन्हें कहेंगे एस्पिरेंट जो हैं, उनकी क्वालिटी होती है कि दे आर एबल टू टेक अ रिस्क, ठीक है जी? तो वो चीज़ जो है, अब एग्जाम देने तो जा रहे हो, ये थोड़ा सोच रहे हो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जो बच्चा सोच लेगा इस टाइम पे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं होगा, सारी 2 साल की मेहनत पानी में चली जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है बी फियरलेस, ओनली फियरलेस बिकम ग्रेट। कोई डर नहीं है आपको, क्यों डर रहे हो यार, अप्रैल में फिर एग्जाम हो रहा है, ये तो 2 साल पहले चिंता थी कि भैया एक एग्जाम हो रहा है, सॉरी एंग्जाइटी इकट्ठी होगी अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर, एक गोला सा बन जाता है एंग्जाइटी का कि यार क्या होगा, मेरा एक ही एग्जाम है, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अब तो चिंता की बात ही नहीं है,
ठीक है, जो कुछ कमी रह जाएगी हम जो है आपका जो है अप्रैल में कर लेंगे। आप जो बच्चे बहुत सिंसियरली टेस्ट वगैरह देते होंगे, आपने देखा होगा जबकि आप फ्री माइंड से जाते हो, डरते नहीं हो एग्जाम में, नंबर के फोकस नहीं करते हो, रैंक पे फोकस नहीं करते हो, दूसरे पे ध्यान नहीं देते हो, आपका पेपर वो अच्छा होता है। तो इसलिए इस पेपर के अंदर बी फियरलेस, बिल्कुल चिंता मत करो। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, मैं भी आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, इंटरनेट कल्चर है आजकल, बहुत ही फैशन है आजकल यूट्यूब का, सब आदमी यूट्यूब पढ़ रहा है, सब आदमी फेसबुक पढ़ा हुआ, हर आदमी एडवाइस दे रहा है, मैं भी आपको दे रहा हूँ एडवाइस, ठीक है जी। तो हमेशा एडवाइस उस आदमी के लो जिसका कुछ एक्सपीरियंस हो, समझे मेरी बात, जो है मतलब जो ये नहीं है कि कर को पापा के बॉस आ गए उनकी एडवाइस ले रहे हो, चाचा जी की एडवाइस ले रहे हो, ताऊ जी की एडवाइस ले रहे हो, ये डिफरेंट इंटरनेट पे जो बैठे हुए हैं आजकल जो प्रवचन दे रहे हैं बहुत सारे, जैसे एक स्पिरिचुअलिटी है बाबा लोग होते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे मतलब जो आई टी की कोचिंग के अंदर जो बाबा लोग बन गए, हर आदमी को एडवाइस दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग एडवाइस दे रहे हैं कि तुक्के कैसे मारे जाएँ, ये सब बकवास है। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल पढ़ते नहीं है, ऐसे जैसे कि कॉमर्स का बच्चा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम देने जा रहा है या मेडिकल का एस्पिरेंट जो है वो जेई एडवांस का एग्ज़ाम लिख रहा है, आपके लिए नहीं है। आपने बहुत मेहनत करी है, पीछे मुड़ के देखो आपने बहुत मेहनत करी है। तो प्लीज़ हैव योर ओन कॉन्फिडेंस, डोंट लिसन टू टू मेनी एडवाइस। हाँ, जरूर केवल पापा मम्मी की बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि दे हैव बीन योर पेरेंट्स, दे हैव बीन योर गाइडिंग फोर्स, वो आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, तो उनकी केवल एडवाइस को ध्यान से सुन लेना चाहिए, अगर वो लगे ठीक बात है उसको फॉलो कर लेना चाहिए, और कई बार डिस्कशन करने के भी अच्छा हो जाता है। तो आई होप मतलब आपने मेरी भारी बातें समझी होंगी, प्लीज़ मतलब बहुत मैं दिल से बातें कर रहा हूँ और बहुत हेल्प करेंगी 40 दिन के अंदर, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट 40 डेज जो है, मतलब जो 40 डेज के अंदर लाइफ को जैसे मैंने बताया जीने की कोशिश करेंगे, अपने साथ जिएंगे, पढ़ाई के साथ जिएंगे, फालतू दोस्तों से बातें नहीं करेंगे, उधर उधर हाथ नहीं मारेंगे, वो जरूर सेलेक्ट होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ सभी बच्चों को जो इस बार दे एग्ज़ाम जनवरी में, उनको सुबुद्धि दे और स्ट्रेंथ दे, करेज दे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।